नमस्कार, मैं हूँ भैरव सिंह। चलिए आज कोई क्विक रेसिपी हो जाए। और मेरे पास है बेबी कॉर्न, तो आज मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए बेबी कॉर्न भजुले। तो चलिए, ये स्टार्टर बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश बेबी कॉर्न, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, फ्रेश करी लीव्स, ब्लैक पेपर क्रश, ग्रीन चिली, सॉल्ट, मैदा, राइस फ्लोर एंड ऑयल फॉर फ्राइंग। अरे, नींबू छूट गया, और नींबू। चलिए सबसे पहले इसका मिक्सर बनाते हैं। तो एक अच्छा बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लें आप, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट एक एक टीस्पून, दोनों, ज़्यादा नहीं, हमने यहाँ पर 10 बेबी कॉर्न लिए करीबन, ग्रीन चिली 2 नंबर चॉप की हुई, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ और फ्रेश करी लीव करीबन 20 से 25 पीस, थोड़ा सा मैदा 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जो है राइस फ्लोर। देखिए ये सारे मसाले हो गए, इसमें जो है नमक स्वाद अनुसार इतना काफ़ी है, और इसमें करेंगे अभी फ्रेश लेमन फ्रेशली स्क्वीज, और क्या खुशबू आनी शुरू हो गई अभी से। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये नींबू हो गया, और ये देखिए 2-4 बीज गिर गए हैं, तो ये बीज को आप अच्छे से निकाल लें, क्योंकि ये आपके स्टार्टर को कड़वा कर सकते हैं। बस अभी इसको मिलाएंगे, ये मिल गया। अभी इसको आप थोड़ा जो है स्पून को निकाल लीजिए, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम यहाँ पर, और इसको हाथ से अच्छे से मिलाइए ऐसे। अभी इसको करीबन 5 से 6 मिनट छोड़ देते हैं, ताकि जो चिली पेस्ट डाला है हमने वो अच्छे से कलर छोड़ ले और सारे मसाले जो हैं इसके अंदर फ्लेवर छोड़ दे बैटर के अंदर। और अब हम काटेंगे बेबी कॉर्न। चलिए बेबी कॉर्न को काट लेते हैं। तो आपने इसको, हमने अच्छे से वॉश करके पोंछ के रखा है, आपको इस तरीके से 1-2 कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये हल्का सा पीछे से और आगे से कट करेंगे, इस तरीके से सारे कट कर लेते हैं। तो ये कट गए हमारे बेबी कॉर्न, और जब तक ये मसाले में मिलाते हैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। चलिए ये मसाला रेडी है, इसको अच्छे से अभी कोट कर लेते हैं, प्यार से मिलाना है, टूटे ना ये, देखिए इस तरीके से। ओ वाह, देखिए एक एक जो है इस तरीके से कोट होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जब ये फ्राई करोगे आप तो बहुत अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे ये। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में भी रोस्ट करके क्रिस्प कर सकते हैं। बस करना क्या है, एक रोस्टिंग ट्रे लेना है, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और इसको रखना है, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और रोस्ट कर लीजिए। हो गई ना हेल्दी रेसिपी। ये देखिए मैरिनेट हो गया, अभी इसको करीबन 1 से 2 मिनट ऐसे ही रखना है, और ये फ्राई के लिए रेडी है। चलिए तेल गर्म हो गया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से, एक एक करके सारे इसके अंदर छोड़ देने हैं। वाह, ये देखिए इसको ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं अभी, बस अच्छे से इसको एक साइड क्रिस्प होने देना है, फिर थोड़ा टर्न कर लेंगे इसको। ओ ये देखिए ऑलमोस्ट डन होने आए, बस थोड़ा सा क्रिस्प करेंगे और इसको, और ये रेडी है खाने के लिए। ये देखिए ये हो गए रेडी, ये देखिए ये रेडी हो गए हमारे बेबी कॉर्न भजुले। आप लोग इन्जॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई रेसिपी के साथ।